अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने रेशनलाइजेशन ऑफ सर्ट्स को डिस्कस करना है कि किस तरह सर्ट्स को रेशनलाइज किया जाता है। यहाँ पर हमारे पास सर्ट्स की डिफरेंट टाइप्स हैं, जिसमें हमारे पास फर्स्ट टाइप है मोनोमियल सर्ट्स। मोनोमियल सर्ट्स हमारे पास एक ऐसा सर्ट्स होगा जिसमें आप लोगों के पास सिंगल टर्म आ जाए, एक ही टर्म आ जाए, तो ऐसे सर्ट्स को कहा जाता है मोनोमियल सर्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, √2, √3, √5, √7, एक्सेट्रा एंड सो ऑन। लेकिन जब आप लोगों के पास दो सर्ट्स आपस में आप लोग उसको ऐड करो या आप लोग उसको सब्ट्रैक्ट करो, उसका सम या उसका डिफरेंस, या आप लोगों के पास ऐसे आ जाए कि एक रियल नंबर हो और एक आप लोगों के पास सर्ट्स हो, उसका सम या डिफरेंस, तो ऐसे सर्ट्स को फिर कहा जाता है बाइनोमियल सर्ट्स, क्योंकि इसमें आप लोगों के पास दो टर्म्स आते हैं। देखिए, ये भी आप लोगों के पास एक सर्ट है और ये भी आप लोगों के पास एक सर्ट है, तो इन दोनों सर्ट्स का आपस में आप लोग सम लिखो या उसका आप लोग डिफरेंस लिखो, तो ऐसे सर्ट्स को फिर कहा जाता है बाइनोमियल सर्ट्स कहा जाता है। और इस केस में हमने यहाँ पर टू टू हमारे पास एक रेशनल नंबर है, जबकि ये हमारे पास एक सर्ट है, तो इनका सम या डिफरेंस ये भी आप लोगों के पास बाइनोमियल सर्ट कहलाएगा। और इस तरह हम इसको आगे भी ट्राइनोमियल तक भी ले जा सकते हैं, ट्राइनोमियल सर्ट, जिस तरह आप लोगों ने पॉलीनोमियल को डिफाइन किया था, पॉलीनोमियल में बाइनोमियल था, मोनोमियल था, और इस तरह ट्राइनोमियल। अब अगर आप लोगों के पास प्रोडक्ट ऑफ टू सर्ट्स, अगर आप लोग के पास किसी भी दो सर्ट्स का प्रोडक्ट आप लोग फाइंड करो और रिजल्ट आप लोग के पास उसका एक रेशनल नंबर आ जाए, तो ऐसे सर्ट को फिर हम कहते हैं रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ द अदर, वो दूसरे का रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा। लेकिन जब हम किसी भी दो सर्ट्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, हम उसका प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, और एज ए रिजल्ट हमारे पास उससे एक रेशनल नंबर आ जाता है, तो उस प्रोसेस को फिर कहा जाता है रेशनलाइजेशन कहा जाता है। क्योंकि रेशनलाइजेशन में हम बेसिकली क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन में हम बेसिकली सर्ट्स को खत्म करते हैं, तो सर्ट्स को खत्म करने का जो प्रोसेस होगा उस पूरे अमल को फिर रेशनलाइजेशन कहा जाता है। अब यहां पर हमारे पास फिर कंजुगेट ऑफ सर्ट्स की बात आती है कि व्हाट इज कंजुगेट। चैप्टर नंबर टू में अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं, तो हमने वहां पर ये बात की हुई थी कि आप लोग के पास कंजुगेट क्या करेगा, वो इमेजिनरी पार्ट के साइन को चेंज करेगा। लेकिन यहाँ पर हम सर्ट के साथ काम कर रहे थे, सर्ट में आप लोगों के पास, अब यहाँ पर आप लोग अगर इसको देखो और इस टर्म को देखो, इसका साइन प्लस तो इसका साइन माइनस है, तो जब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो कॉन्जुगेट क्या करेगा, इस साइन को चेंज करेगा, प्लस होगा तो माइनस बन जाएगा, माइनस होगा तो प्लस बन जाएगा। इट मीन दैट कि इसका कॉन्जुगेट आप लोगों के पास ये टर्म होगा, जबकि इसका कॉन्जुगेट जब हम लेंगे तो आप लोगों के पास ये टर्म आएगा। सो इट मीन दैट ये दोनों आपस में कंजुगेट है, दे आर कंजुगेट ऑफ ईच अदर। दूसरी चीज, यहां पर अगर आप लोग इसमें देखो तो ये आप लोग के पास सेकंड ऑर्डर के है, क्योंकि आप लोग के पास इसका जो ऑर्डर है वो आप लोग के पास टू है, क्योंकि यहां पर आप लोग के पास इसका इंडेक्स टू है, आप लोग के पास स्क्वायर रूट है, तो हम स्क्वायर रूट को वन और टू फॉर्म में ले सकते हैं, या हम इसको अगर ऐसे लिखते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, और अगर कुछ नहीं लिखते तो भी हमारे पास ठीक रहेगा। सो दैट्स व्हाई दिस इज सेकंड ऑर्डर, टू बाइनोमियल सर्ट्स ऑफ सेकंड ऑर्डर डिफरिंग ओनली इन साइनिंग कनेक्टिंग देयर टर्म्स ऑल कॉल्ड कंजुगेट सर्ट्स। दोनों टर्म अगर आप लोगों के पास सेम हो और उनके साइन डिफरेंट हो, तो फिर उनको कहा जाता है कंजुगेट सर्ट्स, मतलब वो एक दूसरे के कंजुगेट होंगे। अब अगर इसको देखा जाए, तो अगर हम इसका कंजुगेट लेंगे तो इसका साइन प्लस होगा तो माइनस बन जाएगा, लेकिन अगर हम माइनस का लेंगे तो वो आप लोग के पास प्लस बन जाएगा, तो ये दोनों आपस में बन गए कंजुगेट एक दूसरे के। अब अगर हम दो सर्ट्स का, बाइनोमियल सर्ट्स का हम प्रोडक्ट फाइंड करना चाहते हो, तो उनको हम सिंपल आप लोग यहां पर देख सकते हो कि आप लोग जब भी किसी भी दो सर्ट्स को मल्टीप्लाई करते हो, उनका प्रोडक्ट फाइंड करते हो, तो रिजल्ट आप लोगों के पास जो आएगा वो आप लोग के पास फ्री ऑफ रेडिकल साइन होगा, उसमें आप लोग के पास किसी भी किस्म का रेडिकल साइन नहीं होगा। देखिए, ये सर और ये सर, इन दोनों को हमने आपस में मल्टीप्लाई कर लिया,
मल्टीप्लाई करने के बाद आप लोग के पास इधर रिजल्ट आ गया ए माइनस बी। अब ये ए माइनस बी आप लोग के पास इंडिपेंडेंट ऑफ एनी रेडिकली, इसमें आप लोग के पास किसी भी किस्म का रेडिकल साइन नहीं आ रहा। दैट्स वाई आप लोगों ने इस चीज को याद रखना है कि हम यहाँ पर रेशनलाइजेशन करेंगे, और रेशनलाइजेशन हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी मदद से हम उस टर्म्स को फ्री कर लेते हैं रेडिकल साइन से। तो उस प्रोसेस को फिर कहा जाता है रेशनलाइजेशन। अब यहां पर अगर आप लोग देखो ये टर्म और ये टर्म, तो इसका कॉन्जुगेट लोगे तो आप लोग के पास ये टर्म आएगा, और अगर इसका कॉन्जुगेट लोगे तो आप लोग के पास वापस ही आ जाएगा। लेकिन अगर आप लोग इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करोगे तो इसमें आप लोग के पास हैज नो रेडिकल, उसमें फिर आप लोग के पास कोई भी रेडिकल नहीं आएगा। और आप लोग इस एग्जाम्पल को देख सकते हो, जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4। अब ये 4 आप लोग के पास एक रेशनल नंबर है, और ये आप लोग के पास फ्री ऑफ रेडिकल साइन है, इसमें आप लोग के पास कोई भी रेडिकल साइन इसके ऊपर यहाँ पर नहीं है। सो रेशनलाइजेशन क्या है? रेशनलाइजेशन बेसिकली अ प्रोसेस जिसमें हम दो सोर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और रिजल्ट हमारे पास एक रेशनल नंबर आ जाता है, रिजल्ट हमारे पास फ्री ऑफ रेडिकल साइन आ जाता है, उसमें आप लोग के पास इंडिपेंडेंट ऑफ रेडिकल साइन होता है। नाउ अब हम रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर की बात करते हैं। जब हम डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करेंगे तो रेशनलाइजेशन में आप लोग के पास डिनोमिनेटर में जो सर्ड होगा वो आप लोग के पास खत्म हो जाएगा, वहां से जब रेशनलाइज करोगे तब। लेकिन रेशनलाइजेशन के लिए आप लोग के पास यहाँ पर क्या होगा, आप लोगों ने डिनोमिनेटर के टर्म्स का जो साइन अगर प्लस होगा तो आप लोग उसको माइनस करोगे। इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि डिनोमिनेटर का कंजुगेट हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और साथ साथ डिवाइड भी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर लिखता हूं ए प्लस अंडर रूट बी। अब जब हम इसको रेशनलाइज करेंगे तो क्या होगा, इसका कंजुगेट नॉमिनेटर में भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। या हम ये कह सकते हैं कि हम इसके कंजुगेट को उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई भी कर लेंगे और साथ साथ डिवाइड भी कर लेंगे। तो डिनोमिनेटर में जब आप लोग के पास ये मल्टीप्लाई होगा, नॉमिनेटर नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ, तो आप लोग के पास डिनोमिनेटर में जो सर्ड होगा वो खत्म हो जाएगा, रेडिकल साइन आप लोग के पास यहाँ से खत्म हो जाएगा, वो टर्म आप लोग के पास इंडिपेंडेंट ऑफ रेडिकल साइन होगा। अब हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के सर्ड्स को रेशनलाइज करने का तरीका है, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स है, हमारे पास क्वेश्चन हमारे पास इस टाइप के भी आ सकते हैं और इस टाइप के भी आ सकते हैं। अब हमने इस पूरे प्रोसेस को समझना है पूरे एग्जाम्पल एग्जाम्पल की मदद से ही हम इस सारे प्रोसेस को यहाँ पर आसानी के साथ समझ सकते हैं कि किस तरह हम इसको रेशनलाइज करेंगे, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना होगा। अब अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये आप लोग के पास रिजल्ट है 58 डिवाइडेड बाई 7 माइनस 2 अंडर रूट 5। अब ये टर्म आप लोग के पास क्या, ये एक रेशनल नंबर है, लेकिन यहाँ पर आप लोग के पास अंडर रूट 5 एक सर्ड है, तो ये आप लोग के पास एक बाइनोमियल सर्ड हो गया। अब हमें इस डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है, तो डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने के लिए आप लोगों ने डिनोमिनेटर का कंजुगेट लेना होगा, तो इसका कंजुगेट आप लोग के पास बन जाएगा 7 प्लस 2 अंडर रूट 5। तो फिर हमने इसी नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई भी करना होगा और डिवाइड भी करना होगा। और इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि वो आप लोग के पास नॉमिनेटर में ही मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिनोमिनेटर में भी। लेकिन यहाँ पर एक और चीज आप लोगों ने याद रखनी है, जब भी आप लोग डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करोगे तो डिनोमिनेटर में आप लोग के पास फार्मूला बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। मे बी यहाँ पर नंबर डिफरेंट होंगे लेकिन फार्मूला आप लोग के पास वही होगा। अब इसको देखें तो ये ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो ये बन जाएगा आप लोग के पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब जब हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, सिंप्लीफाई करने के बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि आप लोग के पास डिनोमिनेटर से सर्ड्स खत्म हो गया। डिनोमिनेटर में आप लोग के पास ऐसा कोई नंबर मौजूद नहीं है जिसमें आप लोग के पास रेडिकल साइन उसके साथ मौजूद हो। इसी तरह एक और एग्जाम्पल है हमारे पास, और इस एग्जाम्पल में भी हमने डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है, तो बड़ा आसान तरीका है, डिनोमिनेटर का साइन चेंज कर लेंगे, उसका कॉन्जुगेट ले लेंगे, कॉन्जुगेट इसका होगा अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 बन जाएगा। तो फिर हमने इसी नंबर को मल्टीप्लाई भी करना होगा और डिवाइड भी करना होगा।
और इन अदर वर्ड्स वो नॉमिनेटर में ही मल्टीप्लाई हो जाएगा और साथ साथ डिनोमिनेटर में भी। लेकिन डिनोमिनेटर में आप लोगों के पास फार्मूला जरूर बनेगा और फार्मूला होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। सो नॉमिनेटर नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ, तो ये तो फार्मूला बन गया। अब ये आ जाएगा 5 माइनस 2 इज 3 आ गया। तो अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि डिनोमिनेटर से आप लोगों के पास जो नंबर आ गया वो इंडिपेंडेंट ऑफ रेडिकल साइन है। इसी तरह ये एग्जाम्पल भी आप लोग देखो, तो इस एग्जाम्पल में आप लोग के पास 1 2 3, अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम इसका आप लोग के लिए लेना मुश्किल बन जाएगा। तो जो सबसे आसान तरीका है, जो इजिएस्ट वे हमारे पास, हम सबसे पहले डिनोमिनेटर्स को रेशनलाइज कर लेते हैं। और रेशनलाइजेशन का तरीका हमें पता है आसान है, कि हमने डिनोमिनेटर का कंजुगेट लेकर उसको मल्टीप्लाई भी करना है और साथ साथ डिवाइड भी करना है, और इन अदर वर्ड्स नॉमिनेटर में भी उसको मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर में भी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि हर टर्म यहाँ पर रेशनलाइज हुआ है। नॉमिनेटर नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से, यहाँ भी नॉमिनेटर नॉमिनेटर से और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ, एंड सिमिलरली यहाँ पर भी। लेकिन डिनोमिनेटर में आप लोग के पास लाजमी फार्मूला बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जब हम इसको यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सिंप्लीफिकेशन के बाद आप लोग अब यहाँ देख सकते हो जो रिजल्ट आप लोग के पास आ रहा है वो यहाँ पर एक ऐसा नंबर होगा डिनोमिनेटर में जो इंडिपेंडेंट होगा आप लोगों के पास रेडिकल साइन से। अब यहाँ पर देखिए 12 माइनस 6 6 आ गया, 3 माइनस 2 1 आ गया, 6 माइनस 2 4 आ गया। अब यहाँ पर आप लोग देखो तो आप लोगों के पास हमने इस रिजल्ट्स को फर्दर और भी हल करना है, सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पर देखिए तो इन दोनों में आप लोगों के पास 6 कॉमन है। जब यहाँ से 6 कॉमन होगा तो इधर आप लोगों के पास रह जाएगा 2√3, और इधर रह जाएगा आप लोगों के पास √6 एंड डिवाइडेड बाई 6। तो 6 और 6 यहां से हो गया कैंसिल, तो इधर आप लोगों के पास रह गया 2√3 और इधर रह गया √6। सिमिलरली अब यहां पर अगर आप लोग इन दोनों को देखो तो यहां पर भी आप लोगों के पास ये जो रिजल्ट आप लोगों के पास है, ये दोनों आप लोगों के पास मल्टीपल फॉर्म में है। तो जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो बाई प्रॉपर्टी तो हम इसको एक ही स्क्वायर रूट के अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा आप लोगों के पास 18, और 18 को हम पे लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई बाई 2, 9 का स्क्वायर रूट बराबर है 3 के, तो ये बन जाएगा 3√3। और इसी तरह इसको भी हम इस फॉर्म में ले सकते हैं, 2√3 आ जाएगा। और ये वाला टर्म भी अगर आप लोग यहाँ पर इन दोनों में 4 कॉमन करें, जब यहाँ से हम 4 कॉमन करेंगे ये तो इनसाइड आप लोग के पास मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 18 और यहाँ भी ये बन जाएगा 6, और यहाँ से 4 और 4 आपस में हो जाएगा कैंसिल, और √18 को हम ले सकते हैं 3√2। तो यहाँ पर आप लोग इसको देख सकते हो, ये माइनस इनसाइड पर मल्टीप्लाई होगा तो ये भी बन जाएगा माइनस, और ये भी आप लोग के पास बन जाएगा माइनस। अब ये प्लस था और ये माइनस था, कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया आप लोगों के पास, और सिमिलरली ये भी कैंसिल, देखिए ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, रिजल्ट आप लोगों के पास आ गया 0। तो ये मुश्किल नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने रेशनलाइजेशन का तरीका सीखना है कि किस तरह आप लोगों ने डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। आसान सवाल है, कुछ मुश्किल नहीं है, सिर्फ आप लोगों ने इसको समझना है। अब यहां पर हमने एक्स और वाई को फाइंड करना है, तो हमें इस लेफ्ट हैंड साइड को रेशनलाइज करना होगा, और रेशनलाइजेशन का तरीका हमारे लिए आसान है इसका, कि जो डिनोमिनेटर होगा उसका कंजुगेट हम नॉमिनेटर में ही मल्टीप्लाई कर लेंगे और साथ साथ डिनोमिनेटर में भी। आप लोग यहाँ देख सकते हो नॉमिनेटर नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से। जब नॉमिनेटर नॉमिनेटर मल्टीप्लाई हो गया दोनों टर्म सेम थे तो ये स्क्वायर बन गया, जबकि नीचे फार्मूला बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इससे आप लोग के पास रिजल्ट आएगा 16 माइनस 45, और यहाँ पर ये फार्मूला बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, फार्मूला ओपन कर लिया आप लोगों के पास, ये रिजल्ट आ गया इसको सिंप्लीफाई करने के बाद। अब ये जो डिनोमिनेटर है ये इसके नीचे भी और इसके नीचे भी है। अब यहाँ पर आप लोग देखो तो ये आप लोग के पास राइट हैंड साइड तो मौजूद है इसका, तो ये आप लोग के पास देखिए एक्स, तो एक्स की वैल्यू आप लोग के पास बन जाएगी ये वाली, और यहाँ पर ये √5 वाले जो वैल्यू, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट ये और इसका कोएफिशिएंट ये है,
तो यहाँ से अंडर रूट फाइव खत्म हो जाता है और वाई की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -24/29। तो यहाँ से हमने आसानी के साथ एक्स और वाई को फाइंड कर लिया बाई रेशनलाइजेशन। एंड नाउ अनदर एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल में भी आप लोग देख सकते हो हमने यहाँ पर फाइंड करना है एक्स प्लस वन ओवर एक्स, जबकि एक्स की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, वन ओवर एक्स फाइंड करना होगा। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो एक्स की वैल्यू तो मौजूद है हमारे पास 3 प्लस अंडर रूट 8। अब इसका डिनोमिनेटर भी वन और इसका डिनोमिनेटर भी वन है, हमें वन ओवर एक्स चाहिए, तो ये हो जाएगा रिसिप्रोकल। अगर हम इक्वलिटी के एक्स साइड्स को रिसिप्रोकल कर रहे हैं तो हमें इस साइड को भी फिर रिसिप्रोकल करना होगा। रिसिप्रोकल मीन कि यहाँ जो नॉमिनेटर था वो डिनोमिनेटर बन गया और जो डिनोमिनेटर था वो नॉमिनेटर बन गया, और इसी तरह यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हो नॉमिनेटर डिनोमिनेटर बन गया और डिनोमिनेटर नॉमिनेटर बन गया। अभी आप लोग के पास फ्रैक्शन फॉर्म में आ रहा है तो अब हमें यहाँ पर डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना होगा, तो हमें इसका कंजुगेट लेकर इसको मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है, लेकिन नीचे फार्मूला बन रहा है। तो अभी आप देख सकते हो कि आप लोग के पास जो वन ओवर एक्स की जो रिजल्ट आप लोग के पास यहाँ पर आ रही है वो है 3 -√8। ये एक्स की वैल्यू थी हमारे पास और ये वन ओवर एक्स की। अब इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं तो यहाँ पर ये तो कैंसिल हो गया, 3 + 3 हमारे पास आ गया 6, और हमें स्क्वायर भी इसका फाइंड करना है, तो इसका स्क्वायर फाइंड करना कुछ मुश्किल नहीं है, टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो हम जब दोनों साइड्स को स्क्वायर करेंगे तो ये भी स्क्वायर बन जाएगा, ये फार्मूला बन गया a² + b² + 2ab, ये 36, ये कैंसिल हो गया। सो x² + 1/x² = 36 - 2, रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा 34। सो यहाँ पर हमने इसको रेशनलाइज भी कर दिया और यहाँ से डिफरेंट वैल्यू भी फाइंड कर ली, और आप लोग यहाँ पर इसको देख सकते हो। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों ने रेशनलाइजेशन आप सर्ट्स को सीख लिया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम रेशनलाइजेशन से रिलेटेड डिफरेंट सवाल हल करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।